अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा आज का दोपहर का व्लॉग। ये हम शुरू कर रहे हैं आज दोपहर के खाने से। तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे तो मुबारक आप सबको, जुम्मे की मुबारक हो बहुत बहुत। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये कीमा मटर। ठीक है, तो इसके लिए कीमा हमने ले लिया। ये कीमा बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, अपने सामने निकलवाया हुआ है, बिल्कुल रूखा कीमा। ठीक है, ये अपने ले लिया है, आधा किलो से ज़्यादा ही होगा ये। और इसमें जो मैं ये बना रही हूँ अपने तरीके से, ये आप देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो ये इसमें मैंने टमाटर और प्याज ये काट के रखे हैं, और ये काफ़ी सारे हैं, यानी कि चार बड़ी प्याज ले लें आप और चार बड़े टमाटर ले लें, ये आपने करने हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, और ये हैं गरम मसाला, और बाकी के जो हमारे जो नॉर्मल मसाले हैं वो जाएंगे। तो ये आपने क्या करना है कि कीमे में सब चीज़ें डाल के, तेल के अलावा तो आपने चढ़ा देना है। सिर्फ तेल नहीं डालना, बाकी सब चीज़ें डालनी है। ये गरम मसाला है हमारे पास, साबित गरम मसाला, ये भी डालना है, और उसके बाद आपने इसको चढ़ा देना है। मीडियम आँच इसकी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। फिर जब भूनने का टाइम आएगा, फिर आपने जब ये बिल्कुल प्याज वगैरह गल जाएगा, टमाटर गल जाएंगे, सब कुछ गल जाएगा और एक जान हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे तेल। और ये चॉपर में मैंने ये पीसी है मिर्चें। ये चॉपर है मेरा, ये बहुत पुराना चॉपर है, तकरीबन इसको 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और इसमें मैं पीसती हूँ मिर्चें, टमाटर, मसाले, कुछ भी पीसना हो हम इसी में ही पीसते हैं। और ये हमारे मसाले घर वाले, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सब आया था। तो अभी हम इसको शुरू करेंगे, हम जलाने लगे हैं चूल्हा। पकड़ो अभी चूल्हा जलाएं। चूल्हा जल गया और हमने इसमें डाल दिया ये टमाटर प्याज। ठीक है, तेल के अलावा बाकी सब कुछ आपने डाल देना है इसके अंदर। और ये हो गया हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आपने कीमे में 2-3 चम्मच भर भर के डाल दें, क्योंकि जितना ये ज़्यादा जाएगा उतना ही कीमा मज़े का बनता है। ये हो गया, साथ में हमने हरी मिर्चें डाल देनी है। जो मैंने आपको पीस के दिखाई थी रखी हुई, वो भी जाएंगी अभी इसमें, और साथ में इसके जाएगा ये है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और ये थोड़ी सी हल्दी है, और लाल मिर्ची मैं बाद में डालूंगी। और ये आपने हरी मिर्चें और जितनी आपने ऐड करनी हो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। और मैं अभी तो इतने डाल रही हूँ, बाद में मैं हो सके तो और भी डालूंगी। और साथ में ये जाएगा गरम मसाला साबित, इसमें ये मोटी इलायची है, और ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, और साथ में ये काली मिर्चें, लौंग और जीरा जो भी है। और साथ में आपने इसके डाल देना है थोड़ा सा पानी, इसमें ये पकेगा, और इसको आपने अच्छे से एक बार चला लेना है। बस इसके बाद आपने इसको ढकते रख देना है मीडियम आंच पे। जब ये सब कुछ गल जाएगा, फिर अगले स्टेप में आपको बताऊंगी कि क्या करना है, और जब तक इस पे हाथ भी सेक लें। चलें, हमें इसको रखे हुए तकरीबन घंटा हो गया है,
के बाद सारा सामान इसके अंदर जो हमने डाला था सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और गल गया ये। अब ये जब इसका पानी सूख जाएगा अच्छी तरीके से तो फिर हम इसमें तेल डालेंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे हल्की आंच पे। उसके बाद फिर हम इसमें ये मटर मैंने जो कल बॉईल करके रखे थे ये काम आ जाते हैं। आप भी ऐसे 1 किलो मटर लेके उनको बॉईल करके रख लें हल्का सा नमक डाल के। उसके बाद जो तक आप फ्रिज में थैलियाँ बना के रख लें फ्रीज़र में, जब आप किसी चीज़ का दिल किया निकाले मटर और डाल दिए तो बस फिर इसको भून के हम इसमें डालेंगे मटर और इसमें जितने आपने ग्रेवी रखनी होगी थोड़ी सी आधा ग्लास पानी का डाल दें। उसके बाद दम लगा दें इसको 10 मिनट का, बाद में गरम मसाला और हरी मिर्चें हरा धनिया डाल के मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। जब तक के लिए नेक्स्ट क्लिप तक फाइनल लुक देने लगे हैं और ये हमारा कीमा और मटर बन के तैयार हो चुका है। इसमें अब हमने डालनी है ये हरी मिर्चें कटी हुई, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें 4 या 5 और साथ में आपने डाल देना ये गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी मैंने घर में पिसा हुआ है, घर का पिसा हुआ ना उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हो गया और साथ में ये है हरा धनिया, बस ये हम इसमें डाल के इसको 5 मिनट का हम इसका दम लगा देंगे। जब तक के लिए आपको मैं एक टिप दूंगी, वो टिप ये है कि अगर आपने अंडों का छिलका जो है वो आसानी से उतारना हो तो अंडे उबाल के आप उसको ठंडे पानी में डाल दें, गर्म पानी निकाल के ठंडा पानी डाल दें और 2 मिनट के बाद उसको पैक करें थोड़ा सा, उसके बाद हाथों में लेके ऐसे ऐसे रोल करें तो अंडे का छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं सालाना एक या दो टिप्स भी दिया करूँ वीडियो के साथ साथ, तो उससे ये कि बड़ा अच्छा हो जाता है, कई चीज़ों का पता लग जाता है। चलिए जी आज हम दोपहर को अपना ये कीमा मटर इंजॉय करेंगे, साथ में रायता सलाद और नान होंगे और जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।